हेलो दोस्तों, सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे रतन टाटा जी से। स्वर्गीय रतन टाटा जी आज के दिन में कल इनका देहांत होता हुआ नजर आया 9 तारीख को। तो सबसे पहले भगवान से चाहेंगे कि इनकी आत्मा को शांति दे। ओके, ही बहुत अच्छे इंसान थे। ठीक है, बिजनेसमैन तो थे ही थे, प्लस बहुत अच्छे इंसान थे। ये हमें पढ़ने को भी मिलता है, देखने को भी मिलता है। तो RIP मिस्टर रतन टाटा जी को। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक शेयर से रिलेटेड जिसका नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। KPI ग्रीन एनर्जी क्या करती है कंपनी, क्या बिजनेस मॉडल है, क्यों इस शेयर से रिलेटेड मैं बातें कर रहा हूँ, उस सब चीजों से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे, जानेंगे इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा की तरह कि आप हमारे चैनल IM स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करिए। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को की स्टडी करना और चीजों को सीखने पर ध्यान देना, और सीखने के लिए जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ जाके वीडियोज देखिए। जितनी वीडियोज देखेंगे उतना आपका भला होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और आपको सीरियस है स्टॉक मार्केट में और आप स्टॉक मार्केट को सीख के करना चाहते हैं। एक होता है कि आप करते करते सीखना, एक होता है सीख के करते सीखना, है ना। तो उस तरीके का अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आपको कभी डर ना लगे मार्केट से, उसके लिए आप हमारे एक कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर बेसिक टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल। कब शेयर लेना चाहिए, कब बेचना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्यों बेचना चाहिए, क्यों कब शेयर भागता है, कब गिरता है, वो सारी क्यों क्या कैसे के जवाब आपको मिलते हुए नजर आएंगे। बेसिक टू एडवांस ये पूरा का पूरा कोर्स रहेगा जहाँ पर रिसर्च टेक्निकल और बहुत सारी चीजों से रिलेटेड बातें की जाएगी। 8868054051, 8169261037 दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए और हमें आप व्हाट्सएप कॉल मैसेज कभी भी कर सकते हैं। 25,000 रुपये का कोर्स है जहाँ पर 3 मंथ्स के अनरोलिंग स्टार्टिंग यूज इन स्टॉक मार्केट ऑनलाइन नोट सब कुछ दिया जाता है। और 1 जनवरी 2025 से इस कोर्स की कीमत सीधे डबल होने वाली है 50,000 रुपये। तो आप इस कोर्स को क्या कर सकते हो, अभी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर साथ में काम भी करना है तो भी इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं कि भाई ग्रीन एनर्जी की हम बातें कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कंपनी कंपनी यहाँ पर इज अ पार्ट ऑफ केपी ग्रुप, केपी ग्रुप का पार्ट है। एंड दे डेवलप, बिल्ड, ओन, मैनेज एंड मेंटेन रिन्यूएबल पावर फैसिलिटी, सोलर एंड विंड, सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट एज एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्टर। तो हम बात करें, आजकल हर जगह बात केवल पावर से रिलेटेड हो रही है, चाहे विंड पावर हो चाहे सोलर पावर हो, अलग अलग तरीके के, है ना। तो यहाँ पर ये जो शेयर है वो उस हर चीज का एक कॉम्बिनेशन है। तो अच्छा खासा ये कंपनी यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। इनका ब्रांड भी बात करें, सोलरिज्म ब्रांड इनका सोलरिज्म के नाम से यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है। और कुछ जानना चाहते हो तो इस कंपनी के बारे में आप जाइए तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे KPF ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया टेक्नोलॉजी, इस पर भी हाइड्रोजन पर भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। गुजरात का लार्जेस्ट प्राइवेट सोलर पार्क इनके पास है। ठीक है, ये यहाँ पर KPI ग्रीन यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। यहाँ साउथ गुजरात का फर्स्ट विंड टर्बाइन इंस्टॉलर यही है। ICRA एंड अपग्रेडेड आर रेटिंग टू ए, तो यहाँ पर ये बता रखा है कि कंपनी किस तरीके से यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। जाके एक बार इनके बारे में जाइए, पढ़िए, जानिए इस कंपनी के बारे में, आपको बहुत सारी चीजों से रिलेटेड यहाँ पर अवगत होते हुए आप नजर आते हुए दिखाई दोगे कि ये कंपनी कैसे और किस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते और जानते हैं तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप कंपनी 10,591 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। मतलब क्या है स्मॉल कैप? जब भी मैं बात करूँ स्मॉल कैप की तो याद रखिएगा, जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो दो चीजें याद रखिएगा। सबसे पहली बात कि हमारे चैनल का नाम IM स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, तो हम इसलिए छोटे शेयर आपके सामने लाके प्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। और जब मैं यहाँ पर स्मॉल कैप की बात करूँ तो स्मॉल कैप में दूसरा क्या नजर आता है? दूसरा नजर आता है रिस्क। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो याद रखिएगा, जब शेयर भागता है बड़ा अच्छा नजर आता है कि शेयर कैसे 7 रुपए वाला स्टॉक्स यहाँ पर 1,000 रुपए तक टच करके आता हुआ दिखाई दिया है। बट याद रखिएगा, जब यही शेयर गिरता हुआ नजर आएगा तब ये 1,000 रुपए वाला शेयर का 500 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए तक भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने 90-90% तक ऐसे छोटे शेयरों में गिरावट होती हुई देखी है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास जो शेयर है वो अच्छा शेयर है, आपके पास किस तरीके का शेयर है वो आपकी दशा और दिशा यहाँ पर तय करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, स्टॉक पी की बात करें तो 54 का पी है, इंडस्ट्री का पी भी सेम ही है, तो ना तो महंगा है और ना ही सस्ता है। ROC ROE की बात करें तो काफी अच्छा यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ की बात करें 66 का है, ग्रोथ प्रॉफिट मार्जिन लास्ट क्वार्टर का 51 का है,
प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 11% के आसपास है, इंट्रेंसिक वैल्यू 513 के आसपास की है, और डेट की बात करें 124% का कंपनी के ऊपर डेट भी है, 5 के फेस वैल्यू और 1118 का यहाँ पर 52 वीक हाई इस पर्टिकुलर शेयर में बना के रख रखता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कंपनी से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कंपनी किस कंस्ट्रक्शन और पावर के बिजनेस में। यहाँ पर आप बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कंपनी धीरे धीरे ग्रेजुअली अच्छा खासा काम करती हुई नजर आ रही है, जो कि इनके नंबर में दिखाई देता है। सेल्स जहाँ 35 करोड़ रुपए की थी जून 2021 में, वो जून 2024 में 348 करोड़ रुपए की हाईएस्ट एवर सेल्स है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 20 करोड़ से यहाँ पर 132 करोड़ का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट की बात करें 8 करोड़ से यहाँ पर 66 करोड़ का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। तो कंपनी क्या है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर मार्जिन और हाईएस्ट एवर कंपनी यहाँ पर सेल्स पे काम कर रही है। तो ये कंपनी अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है, जो कि इसके नंबर में दिखाई दे रहा है। ईयरली बेस पर भी देखे तो यहाँ 2019 में जहाँ 34 करोड़ की सेल्स थी, वही सेल्स यहाँ पर 1183 करोड़ रुपए की होती हुई नजर आई है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर कंपनी ने काम करता हुआ नजर आया, जिसका नतीजा आप देख ही सकते हैं कि कब ये शेयर 5 रुपए 3 रुपए पे चलता था, आज ये शेयर लगभग 1000 रुपए के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। मल्टी बैगर रिटर्न ये पर्टिकुलर शेयर देता हुआ नजर आया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कंपनी का लगभग 775 करोड़ के रिजर्व है। कंपनी की बोरिंग भी साथ साथ ग्रेजुअली बढ़ी है, 1036 कि यहाँ पर कंपनी की बोरिंग है, जो कि अच्छी बात नहीं है, और वो भी पावर सेक्टर के रिलेटेड तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने देखा है जब पावर सेक्टर पे इस तरीके का बर्डन आ जाता है ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जब कंपनी अच्छा कर रही होती है तो तब ठीक है, बट जब इस तरीके का बर्डन आता है तो कंपनी बहुत, जिस दिन भी कंपनी की सेल्स कम हुई तो समझ लीजिएगा यहाँ पर कंपनी को इंटरेस्ट इतना देना पड़ेगा कि यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं आएगा, और फिर शेयर जहाँ पर है वहां से नीचे आने में भी यहाँ पर टाइम भी लगाएगा। तो कुछ पॉजिटिविटी भी है तो कुछ नेगेटिविटी भी साथ में यहाँ पर लेके चलनी पड़ेगी। साथ में अच्छी बात यह है कि 101 करोड़ रुपए यहाँ पर कंपनी ने वर्किंग प्रोग्रेस में लगा रखे है। कैश की बात करें तो लगभग 170 करोड़ रुपए का कैश ही पड़ा हो, नेगेटिव कैश फ्लोज नजर आते हैं, और कंपनी के प्रमोटर यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर माल बेचा है 53 से 48% के आसपास हो गया। बट पॉजिटिव चीज ये है कि जो FIs थे ही नहीं, वो FIs अब धीरे धीरे करके यहाँ पर 2 से 3, 3 से 5, 4, 4 से 5 और 5 से 6, 6 से 12% की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आया। तो ये अच्छी बात है, जो प्रमोटर ने बेचा वो यहाँ पर FIs ने खरीदा, प्लस में DIIs ने खरीदते हुए नजर आए, प्लस में पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास से भी हिस्सेदारी यहाँ से यहाँ पर जाती हुई नजर आई है FIs और DIIs के पास। तो काफी अच्छी बात है कि FIs और DIIs ने इस पर्टिकुलर शेयर में पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा बाइंग सेलिंग चलती रहती है, कोई बेच रहा है कोई खरीद रहा है, ठीक है ना, एक्सचेंज यहाँ पर शेयर्स का होता रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 2024 में देखेंगे अगस्त में कुछ शेयर प्रमोटर्स के एक डायरेक्टर ने खरीदे, तो किसी डेजिग्नेटेड पर्सन ने यहाँ पर बेचे भी है 1100 रुपए के भाव पे। तो बेचना खरीदना यहाँ पर चलता रहता है, जो कि आपको भी यहाँ पर करना चाहिए जब आप अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हो। तो ये KPI गिंग से रिलेटेड होगी बातें, यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। एक आध डेट का बढ़ना मुझे थोड़ा सा ही नहीं लगा, बाकी तो ठीक है। बाकी हम बात करते हैं चार्ट से रिलेटेड कि चार्ट क्या कह रहे हैं, बट इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करनी ही करनी है, तभी जाके आप अपनी डिसीजन लीजिएगा। और आप चाहो तो हमारे नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके हमसे हमारे साथ इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और साथ में काम भी कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, KPI ग्रीन की बात करें तो ये शेयर लगभग लगभग आप देखोगे तो 28 से 29% यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। अच्छे शेयर का 28 से 30%, 20 से 30% का करेक्शन होना अच्छी बात होती है, नेगेटिविटी दिखाई नहीं देती, ठीक है। और इस गिरावट में भी पार्टिसिपेट किया है, ऑलरेडी शेयर ऑलरेडी टॉप पे था, तो उस वजह से भी यहाँ पर शेयर गिरता हुआ नजर आया। तो ये सारी बातें हैं, पहली बात तो ठीक है 28% गिर चुका है, तो एक कहीं ना कहीं कम शेयर में थोड़ा सा रिलीफ बनता हुआ नजर आता है। बट स्टिल यहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काम करना है, आपको देखना है कि कंपनी के जो Q2 के नंबर आएंगे, ठीक है, Q2 के नंबर जो आएंगे वो किस तरीके के हैं, उस टाइम आप एक बार देखिएगा, सोचिएगा इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड। बट अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको केवल लेवल बताता हुआ नजर आऊंगा, मेरे कहने पर और किसी और के कहने पर नहीं लेना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं शेयर की, तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आया, जो यहाँ पर इसने लगभग 8 अक्टूबर को बनाया था, 742 740 रुपए का एक स्टॉप लॉस बनेगा, लगभग लगभग 12-13 रुपए की यहाँ पर
बात कर रहे हैं 10% के आसपास की, यहाँ पर एक रिस्क बनती है जो मैक्सिमम रिस्क है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये डबल बॉटम है। डबल बॉटम क्या करता है? डबल बॉटम अच्छा खासा एक संकेत होता है, जैसे ये शेयर यहाँ पर जाएगा, इस लेवल को क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर एक तेजी होगी जो इस शेयर को लगभग 1,052 और 1,100 के आसपास ले जाती हुई नजर आएगी। और जब आप शेयर को ले रहे हो तो आपको शेयर की एंट्री लगभग 910 911 रुपए पे होगी, और आपका स्टॉप लॉस कितना होगा? आपका स्टॉप लॉस लगभग लगभग 890 895 के आसपास होगा, ठीक है। जब लगभग लगभग आपकी 1 से 2 रुपए की, 1 से 2% की यहाँ पर रिस्क होगी, और उसके अगेंस्ट में जो प्रॉफिट होगा ना, वो आपका प्रॉफिट लगभग लगभग अगर आपकी यहाँ एंट्री बन जाती है तो मान के चलिए 20% मिनिमम का प्रॉफिट होगा। और जब चीजें यहाँ से निकलेगी ना तो 20% पे नहीं रुकेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बेस बन रहा है और एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है। कंपनी अगर अच्छा प्रेजेंट कर देती है, ऑलरेडी ये शेयर यहाँ पर ज्यादा चला नहीं है, तो मुझे लगता है जैसे यहाँ से निकलेगा तो ये शेयर फिर 1,300 1,400 1,500 रुपए की तरफ भी जाता हुआ नजर आ सकता है। और क्या होता हुआ नजर आ सकता है? शायद कंपनी अच्छा खासा प्रेजेंट करे अपने आप को, अगर ऐसा करती है तो कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा काम करती हुई नजर आएगी। मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर लेना नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कुछ स्टडी करना है, चीजों को सीखना है। सीखने के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत सारी आपकी हेल्प होती नजर आएगी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।